मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज 8 विधानसभाओं में करेंगे चुनावी जनसभा। कार्यक्रम के मुताबिक देवसर, त्योंथर, सिरमौर, सिमरिया, रीवा, गुढ़, अमरपाटन और भोपाल दक्षिण पश्चिम विधानसभाओं में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। बीजेपी ने एमपी में झोंकी अपनी पूरी ताकत, आज स्टार प्रचारक संभालेंगे मोर्चा। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा के अलावा केंद्रीय मंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी चुनाव प्रचार में जुटेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और पूर्व सीएम कमलनाथ आज एमपी में धुआंधार चुनाव प्रचार करेंगे। कार्यक्रम के मुताबिक दोनों धार और इंदौर के दौरे पर रहेंगे। बीएसपी सुप्रीमो मायावती आज चुनावी राज्यों के लिए चुनाव प्रचार शुरू करने जा रही है। कार्यक्रम के मुताबिक मायावती आज एमपी के अशोकनगर जिले और निवाड़ी में जनसभाएं करेंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज छतरपुर के दौरे पर रहेंगे और इस दौरान महाराजपुर विधानसभा सीट के सपा प्रत्याशी अजय दौलत तिवारी के समर्थन में जनसभा करेंगे। चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारी आज से डाक मतपत्र से वोटिंग कर सकेंगे। कर्मचारियों की वोटिंग 3 दिन यानी 6, 7, 8 नवंबर तक चुनाव कार्य में लगे कर्मचारियों को ट्रेनिंग देने के साथ वोटिंग कराई जाएगी। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अमित शाह अब तक का सबसे लंबा रोड शो करेंगे। जानकारी के मुताबिक 11 नवंबर को आयोजित ये रोड शो 84 किलोमीटर लंबा होगा। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह का आज प्रदेश के दौरे पर उनका रहने का कार्यक्रम है। कार्यक्रम के मुताबिक ग्वालियर ग्रामीण में राजनाथ सिंह दोपहर 3 बजे करेंगे संबोधित। वहीं इसके बाद शाम 5:30 बजे रायसेन जिले के भोजपुर विधानसभा में विशाल रैली को करेंगे संबोधित। इंदौर में बीजेपी की सभा के दौरान मारपीट का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि कैलाश विजयवर्गीय के सभा में पहुंचने से पहले कार्यकर्ता और पड़ोसी आपस में भिड़ गए। ब्यावरा विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी नारायण सिंह पवार राजगढ़ में कांग्रेस प्रत्याशी बापू सिंह तंवर के लिए प्रचार करते नजर आए। दरअसल नारायण सिंह पवार प्रचार के दौरान एक गांव में पहुंचे जहां उन्होंने कहा एक गांव से आपको 2 विधायक मिलेंगे, राजगढ़ से बापू सिंह तंवर और ब्यावरा से मैं